री एडिट रिलीज रिलीज से पहले फिल्म को झटका, पहले ही 12 करोड़ का घाटा। जॉन अब्राहम स्टारर परमाणु की दिक्कतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पहले खबर थी कि फिल्म की प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा, जो कि क्रियाज एंटरटेनमेंट की मालकिन है, इस फिल्म के लिए एक रिलीज डेट तय नहीं कर पा रही है। यही कारण था कि जॉन अब्राहम ने प्रेरणा का साथ छोड़ा और फिल्म को अकेले जेए प्रोडक्शंस के बैनर तले रिलीज करने की ठानी। जॉन ने प्रेरणा की मर्जी के खिलाफ फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान किया और टीजर रिलीज कर दिया। प्रेरणा ने तुरंत जॉन अब्राहम पर कॉपीराइट का मुकदमा ठोका और उन्हें कोर्ट घसीट कर लेगी। बहरहाल दोनों का मसला सुलझ चुका था और माना जा रहा था कि दोनों मिलकर फिल्म रिलीज करेंगे, लेकिन अब एक और मुसीबत आ खड़ी हुई है। गोथिक इंटरटेनमेंट नाम की एक कंपनी है जिसका दावा है कि उसने प्रेरणा को 12.5 करोड़ रुपए कई फिल्में प्रोड्यूस करने के लिए दिए थे, जिनमें से एक परमाणु थी। इस नोटिस की एक कॉपी जॉन अब्राहम और वाशुभागनानी को भेजी गई है। वाशुभागनानी ने क्रियाज इंटरटेनमेंट पर 200 करोड़ रुपए लगाए हैं और जॉन क्रियाज के साथ मिलकर परमाणु प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन किसी को इस 12 करोड़ी डील की भनक तक नहीं लगी। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर से लेकर अब तक परमाणु की रिलीज डेट 4 से 5 बार बदल चुकी है और कुछ दिन पहले जॉन ने ऐलान कर दिया था कि फिल्म 4 मई को किसी भी हालत में रिलीज हो रही है। जॉन के इस कदम से प्रेरणा अरोड़ तमतमा गई थी और उनका कहना है कि जॉन अब्राहम ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और फिल्म सुपर फ्लॉप होगी। वैसे जानिए फिल्मों को लेकर प्रोड्यूसर और बाकी टीम में हुए क्रिएटिव डिफरेंस में फंसी फिल्मों के बारे में। दहश परमाणु जॉन अब्राहम स्टारर परमाणु प्रेरणा अरोड़ा की क्रियाज एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रही थी। जॉन फिल्म के लिए एक प्रॉपर रिलीज डेट चाहते थे, लेकिन प्रेरणा इसे 4 बार पोस्टपोन कर चुकी थी। जॉन ने फिल्म अकेले प्रोड्यूस करने का फैसला कर लिया। केदारनाथ अभिषेक कपूर केदारनाथ को डायरेक्ट कर रहे थे। वो फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान 22 दिसंबर कर चुके थे, लेकिन प्रेरणा और शाहरुख के बीच कोई डील हुई और प्रेरणा ने रिलीज डेट बदल दी। अभिषेक को वही रिलीज डेट चाहिए थी। तीन इडियट्स चेतन भगत का कहना था कि तीन इडियट्स उनके उपन्यास 5.57 पर बनी है, जबकि विधु विनोद चोपड़ा का कहना था कि ये ओरिजिनल स्क्रीन प्ले है। चेतन को केवल कहानी का क्रेडिट दिया जा सकता है। चेतन इस बात पर काफी बिगड़े। तारे जमीन पर के लेखक अमोल गुप्ते का कहना था कि फिल्म लगभग उन्होंने डायरेक्ट की थी, लेकिन आमिर ने उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया। हालांकि बाद में अमोल ने माना था कि फिल्म इतनी सफल हो गई है, पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। रंग दे बसंती की स्क्रिप्ट आमिर खान के हिसाब से बदल जाती थी, इसलिए फिल्म से एक हीरो अर्जुन रामपाल ने विदा ले ली थी। उन्होंने कहा, मैं रोज रोज स्क्रिप्ट के बदलने से थक गया था। मनमर्जियां तिग्मांशु धूलिया डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म की कास्ट थे आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर, लेकिन आनंद एल राय और तिग्मांशु में सामंजस्य नहीं बैठा। आखिरकार फिल्म अब अनुराग कश्यप डायरेक्ट कर रहे हैं।